Good morning everyone. Today in this video I am going to explain you lesson 7 whose topic is city's pride from your reader book. Everybody open your reader book and look at the page number 18. City's pride मतलब होता है आपका शहर हमारा जो अभिमान cities मतलब आपका जो सिटी होती है ना शहर उसका प्राइड उसका अभिमान मतलब हमारे यहाँ सिटी के बारे में हम वहाँ पर बातें कर रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी सिटी हमारा जहाँ पर हम प्लेस रहते हैं वो प्लेस आपका कैसा है. तो लेट्स सी फर्स्ट इट्स वर्ड मीनिंग राइजिंग. राइजिंग मतलब होता है ऊपर उठना मतलब उठना धीरे धीरे ग्रोथ करना. विश विश मीन्स होता है इच्छा. और जीनियस जीनियस मीन्स होता है विद्वान. वाइज वाइज मतलब होता है बुद्धिमान विद्वान. गाइड गाइड मीन्स होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है आपको पथ प्रदर्शन करता है जो आपको रास्ता चल रहा है उस पर आपको सही गलत का बोध कराता है. प्राइड प्राइड मीन्स होता है गौरव. तब यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या बातें करेंगे कि हमारी जो सिटी है जिस शहर में हम रहते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे उसकी अच्छाइयों के बारे में हम बात करेंगे. जहाँ जिस सिटी में हम रह रहे हैं उसकी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए जिस प्लेस में हम रह रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पोयम. हियर हियर व्हाट्स पीपल से. हियर हियर व्हाट पीपल से. Our school is rising day by day. Boys and girls come here to learn. Studying here is a real fun. Working hard with a wish to rise. The teachers are genius and truly wise. We always do what teachers guide. Our school is really city's pride. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमारे सिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ होती है जो हमारे सिटी में अच्छी प्लेसेस होती है उसके बारे में हम बातें करेंगे. तो आप मेरे साथ में मैं फर्स्ट रीड करूँगी उसके बाद में आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे इस लाइन को इस पोएम को. ओके तो लेट्स रीड विद मी. हियर हियर व्हाट पीपल से. अब आपको रीड करना है आफ्टर वन लाइन. ओके Our school is rising day by day. Boys and girls come here to learn. Studying here is a real fun. Working hard with a wish to rise. The teachers are genius and truly wise. We always do what teachers guide. Our school is really city's pride. मतलब हमारे स्कूल में जो सॉरी हमारी सिटी में जो हमारा स्कूल है उस पर हमें गर्व है. यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट अवर स्कूल कि जो हमारा स्कूल है वो सिटी में फेमस है अच्छा है हमारी सिटी में उसका नेम है. ये कह रहा है हियर हियर व्हाट्स पीपल से. देखो देखो लोग भाग क्या बातें कर रहे हैं. मान लो आपकी सिटी में कुछ अच्छा प्लेस होता है कुछ अच्छी शॉप होती है या कुछ अच्छा मार्केट होता है तो एवरी पीपल टॉक अबाउट देम. पीपल उसके बारे में बातें करते हैं ना जो अच्छे लोग होते हैं अच्छे प्लेसेस होते हैं. तो यहाँ पर वो बोल रही है कि मेरे स्कूल के बारे में पीपल बात कर रहे हैं. अवर स्कूल इज राइजिंग डे बाय डे. जो मैं हमारा स्कूल है राइजिंग मतलब उन्नति कर रहा है ऊपर उठ रहा है इट मीन्स उन्नति कर रहा है. राइजिंग डे बाय डे हर एक दिन वो उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है. बॉयज एंड गर्ल्स कम हियर टू लर्न. लर्न मीन्स होता है आपका सीखने. अब स्कूल में बॉयज़ भी आते हैं और गर्ल्स भी आती है किस लिए टू लर्न सीखने के लिए. मेरे स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं लर्न करने के लिए पढ़ने के लिए. स्टडिंग हियर इज अ रियल फन. अब हमें यहाँ पर पढ़ना और स्टडी करना हमें क्या है रियली फन है. फन मतलब इन्जॉयमेंट है मजाक है इन्जॉयमेंट होता है हमारे लिए. यहाँ पर आकर पढ़ना और स्टडी करना हम स्कूल आते हैं डिफरेंट टाइप्स के बच्चों से मिलते हैं
आपके फ्रेंड्स बनते हैं, है ना, तो आप इंजॉयमेंट भी करते हैं, प्लेइंग करते हैं इन द सेम वे. वर्किंग हार्ड विद अ विश टू राइज. अब वर्किंग हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना, विद अ विश टू राइज. हम आप अच्छी पढ़ाई करोगे, आपकी अच्छी पोजिशन आएगी, आपका नेम होगा तो आपके स्कूल का भी नेम होगा. क्या होगा कि ये बच्चा एडवांस किड अकेडमी का बच्चा है ना, स्टूडेंट ऑफ एडवांस किड अकेडमी, तो आपके नेम के साथ में उसका भी नेम होगा, आपके स्कूल का, आपके पेरेंट्स का, आपकी सिटी का, कि कौन सी सिटी का है, किसका बच्चा है, इसके पेरेंट्स का नेम क्या है, इसके सिटी का नेम क्या है, कहाँ पर रहता है ना. तो हमारी मेहनत उसको ऊपर उठाने की, उन्नति की करने की और है. अगर आप मेहनत करोगे तो उसके साथ में सभी का नेम होता है. द टीचर्स आर जीनियस. टीचर्स आर जीनियस. जीनियस मीन्स होता है आपका विद्वान. अब आपके जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स, वो जीनियस होते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज होता है. सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं ना, तो उनमें डिफरेंट नॉलेज होता है. टीचर्स एंड ट्रूली वाइस. वाइस मीन्स आपका होता है बुद्धिमान. तो जो हमारे टीचर्स हैं वो सारे क्या है, विद्वान है और बुद्धिमान है, क्योंकि उनके पास सारा नॉलेज होता है, टैलेंट होते हैं, और वही टैलेंट आप बच्चों को देते हैं. वो वी ऑलवेज डू व्हाट टीचर्स गाइड. डू मतलब करना और गाइड मतलब सिखाना, मार्गदर्शन करना, हमें अच्छा बुरा सिखाते हैं. तो जो भी आपको टीचर्स बोलते हैं कि आपको ये लर्न करना है, आपको ये राइट करना है, ड्राइंग की टीचर मान लो आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं, हाउ टू ड्रॉ इट, और आपको गेम्स की टीचर गेम्स में क्या क्या सिखाते हैं, इस गेम्स को ऐसे खेलना है, उसका रूल ये है, तो जो भी आपको टीचर्स गाइड करते हैं आप उसको फॉलो करते हैं ना. तो वी ऑलवेज डू, हम हमेशा वैसा ही करते हैं जैसा हमें टीचर्स बताते हैं, गाइड करते हैं. अवर स्कूल इज रियली सिटीज प्राइड. हम वो क्या बोल रही है कि अवर स्कूल, हमारा स्कूल इज रियली सिटीज प्राइड. जो मेरा स्कूल है वो वास्तव में मेरे शहर का अभिमान है, गर्व है. क्या है उसको, मेरी सिटी का उसको अभिमान है, गर्व है. तो लेट्स सी इट्स एक्सरसाइज. आपको इस पोएम को रिसाइट करना है. ओके, आप जैसे मैंने रिसाइट किया है ना, वैसे ही आप इस पोएम को रिसाइट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए ई आई ओ यू. अब आपके ये ए ई आई ओ यू वावल से इसको आपको इसे फिल करना है. पी ई ओ पी एल ई पीपल, इनको फिल करके एक वर्ड बनाना है. सी ओ एम ई कम. एल ई ए आर एन लर्न. टी ई ए सी एच ई आर टीचर. टी आर यू एल वाई ट्रूली. और जो इसमें दिया है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर. अब जो राइमिंग वर्ड्स किसके कहते हैं, जो आपके लाइन के जो वर्ड, आपकी जो लाइन होती है उसके लास्ट में जो वर्ड आते हैं और नेक्स्ट लाइन में जो वर्ड आते हैं उनका प्रोनंसिएशन सेम होता है, एंड ऑफ द लाइन. और समटाइम इट्स कम्स इन मिड ऑफ द लाइन. कभी कभी ये वर्ड्स मिड में भी आ जाते हैं, बीच में भी आ जाते हैं, जिसका प्रोनंसिएशन क्या होता है, सेम होता है. इन द सेम वे से डे, स्पेलिंग आर डिफरेंट बट लास्ट प्रोनंसिएशन इज सेम. से डे, ए प्रोनंसिएशन हो रहा है ना लास्ट में, वो आपका जिसका राइमिंग तुकबंदी बोलते हैं जिसे हमें, सेम प्रोनंसिएशन होता है. और वो कभी कभी कहाँ आते हैं, अपने लाइन के मिड में भी आते हैं, और अक्सर वो कब आते हैं, लाइन के एंड में आते हैं. तो आपका इसका हो गया वाइज राइज. आप इसको रीड करके देखिए, वाइज राइज. से डे आ रहा है ना, प्राइड गाइड, प्राइड गाइड. स्पेलिंग भी सेम आ रही है लास्ट की और प्रोनंसिएशन भी सेम आ रहा है. लर्न फन, लर्न फन. ओके, तो ये आपके राइमिंग वर्ड हो गए. आप इस पोएम को रीड करेंगे, डिसाइड करेंगे और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.